आइए इसके साथ एक और उदाहरण की ओर बढ़ें। वह उदाहरण इस प्रकार है। यह उदाहरण विद्यार्थियों के लिए काफ़ी रुचि का होगा कि मान लीजिए कि एक परीक्षा को अक्षर श्रेणी आंग्ल भाषा में लेटर ग्रेड के निर्धारण के अर्थ में अच्छा माना जाता है अगर उस परीक्षार्थियों को मिले अंकों को प्रासामान्य प्रायिकता घनत्व फलन के अनुसार अनुमानित किया जा सके। अक्सर परीक्षक विद्यार्थियों के अंकों की सहायता से एक प्रासामान्य प्रायिकता घनत्व फलन जिसके कि प्राचल म्यू और सिग्मा घात तो होते हैं को अंकलित करता है, उसका औसत और उसका विचरण को अंकलित करता है और फिर जिन परीक्षार्थियों को औसत धन मानक विचलन जो कि वर्गमूल होता है विचरण का, जो सिग्मा घात दो का वर्गमूल सिग्मा होता है वो मानक विचरण भी बोलते हैं, उसको अगर औसत धन मानक विचरण से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों तो उन परीक्षार्थियों को परीक्षक ए श्रेणी प्रदान कर देता है और जिनके अंक म्यू धन सिग्मा और सिग्मा के बीच में होते हैं उनको बी श्रेणी प्रदान कर देता है। इसी प्रकार अगर अंक म्यू और म्यू ऋण सिग्मा के बीच में है तो उनको सी श्रेणी और म्यू ऋण सिग्मा और म्यू ऋण टू सिग्मा के बीच में है तो उनको डी श्रेणी और सारे जो बचे हुए परीक्षार्थी जिनका कि अंक म्यू ऋण टू सिग्मा से नीचे है उन सबको एफ श्रेणी या असफल घोषित कर देता है। तो यह एक बड़ा जो परीक्षा देते हैं या उन विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न है तो इसमें यह पूछा गया है आपसे कि विभिन्न श्रेणी के प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत और प्रायिकता हम एक दूसरे के समरूप होते हैं तो हम असल में इसको एक प्रायिकता संबंधी प्रश्न समझ गए, चूँकि यहाँ पर प्रायिकता घनत्व फलन दिया है। हम प्रायिकता निकालेंगे कि किन कितने विद्यार्थियों के अंक जो है दिए हुए जो स्तर हैं उनसे ज़्यादा या उनके बीच में होते हैं। इस पहले हम उन प्रायिकता को निकालेंगे, उस प्रायिकता के माध्यम से इच्छित प्रतिशत हम इंगित कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में अंकित है कि यहाँ पर जो भी परीक्षार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं उनको हम निरूपित करते हैं एक प्रासामान्य प्रायिकता घनत्व फलन के ऊपर। तो इस तरह की श्रेणी निर्धारण को अक्सर किसी वक्र के ऊपर की गई श्रेणी निर्धारण को भी कहते हैं, जिसको कि आंग्ल भाषा में ग्रेडिंग ऑन द कर्व। तो आइए हम देखें कि हम ये जो हमको स्तर दिए हुए हैं अगर परीक्षार्थियों के जो अंक हैं वो एक यादृच्छिक चर हैं तो उस यादृच्छिक चर के विभिन्न स्तरों में लेने वाले मान की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले ए श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमें पता है किसी भी परीक्षार्थी का जो अंक है उनको हम यादृच्छिक चर एक्स से करेंगे और हम ये मान रहे हैं कि वो यादृच्छिक चर एक प्रासामान्य यादृच्छिक चर है, चूँकि हम उसको उस फलन पर निरूपित करना चाहते हैं। तो यह यादृच्छिक चर का मान उसके औसत और मानक विचरण जो कि सिग्मा है या उनके योग से ज़्यादा है इसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं ज़्यादा आसानी से अगर हम उसको मानक प्रासामान्य वितरण में निरूपित करें। तो ऐसा करने के लिए हम यादृच्छिक चर में से उसके औसत को घटा दें और उस जो नई घटे हुए भाग को अगर हम उसके मानक विचलन से भाग देते या सिग्मा से भाग देते तो वह जो नया एक यादृच्छिक चर होगा वह एक मानक प्रासामान्य चर हो जाएगा जिसका कि औसत शून्य और जिसका कि विचरण जो है वह इकाई होता है, जो कि हमने पूर्वावलोकन में आपसे पहले ही इसकी व्याख्या की थी। तो अब उसका मान एक से ज़्यादा क्या होगा? तो यह प्रायिकता कई तरह से निकाली जा सकती है लेकिन हम इसकी व्याख्या एक विशेष प्रकार के फलन जिसे कि क्यू फलन भी बोलते हैं। हम क्यू फलन से अगर आप परिचित हैं तो आप समझ ही गए होंगे ये क्यू फलन क्या है। उस फलन का हमें कुछ एक श्रेणी मिल जाती है, उस श्रेणी में से हम क्यू फलन का मान जो भी उसका जो चर है यहाँ पे चर एक है, चूँकि उस प्रायिकता को एक से ज़्यादा होना है
का मान हम पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ संगणक हैं जो कि Q फंक्शन का मान विभिन्न विभिन्न मानों के लिए उसका गणना कर सकते हैं, या आप कोई भी इस तरह का टेबल भी से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए व्याख्या करें क्यू फलन की उनके लिए जो ये नहीं जानते कि प्रायिकता को क्यू फलन के माध्यम से कैसे निकाला जा सकता है। तो क्यू फलन एक विकल्प है मानक प्रासामान्य चर के संचयी वितरण फलन को गणित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, जिसकी की परिभाषा निम्न प्रकार होती है। तो आप देखेंगे कि क्यू फलन यहाँ क्यू वाई की परिभाषित है। अगर हम किसी यादृच्छिक चर जो कि प्रासामान्य है की प्रायिकता निकालें किन सीमाओं के बीच में, y जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चर है, y का एक प्राचल है उस y से लेकर अनंत तक की, अगर हम इस समाकलन को करें तो वो समाकलन चूँकि यहाँ पे वितरण जो है वो प्रासामान्य है, तो हमने देखा प्रासामान्य वितरण जिसका कि औसत मान शून्य है और जिसका कि विचरण का मान इकाई है, इसलिए यह फलन आप लिख सकते हैं, घातीय फलन आप पहचान सकते हैं कि कहाँ से लिखा गया है। यह प्रायिकता होती है अगर हम इसे ग्राफ के रूप में इसे देखें तो वह होगी इस प्रकार। यह एक प्रासामान्य यादृच्छिक चर, मानक प्रासामान्य यादृच्छिक चर जिसका कि औसत मान शून्य और जिसका कि विचरण जो है इकाई है दिया हुआ है, यह देख सकते हैं कि यह फलन कैसे एक ग्राफ के रूप में निरूपित होता है। शून्य के ऊपर यह उल्टा घंटी या बेल शेप कर जो आता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यादृच्छिक चर जो है x है, यह मान ले रहा है, ये एक प्रासामान्य यादृच्छिक चर है, और अगर यह मान y लेता है, मैंने इसका मान y से ज़्यादा होता है, देख सकते हैं y से ज़्यादा होता है, तो y से ज़्यादा होने का मान हम यह जो आप देख छायांकित क्षेत्र देख रहे हैं, यह प्रायिकता द्रव्यमान फलन में इस क्षेत्र में जितनी प्रायिकता इंगित होती है वो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, वही क्षेत्रफल को हम Q से करते हैं। तो इसे हम किसी भी प्रासामान्य वितरण फलन है उसकी दाई पूछ की प्रायिकता भी बोलते हैं, या टेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल थिंग आंग्ल भाषा में, और इसका मान आप देख सकते हैं कि यह निकला है। और जो इसके विलोम है, अगर इसको चूँकि हमको पता है कि किसी भी प्रायिकता द्रव्यमान फलन के अगर हम सभी संभावित मान जो कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच में होते हैं अगर उसको समाकलित करेंगे तो उसका मान एक के बराबर होगा, तो यह क्षेत्र जो कि छायांकित का बिना छाया के है वो लिख सकते हैं हम Q जिसका कि प्राचल है ऋण वाई जिसका कि मान एक ऋण क्यू वाई के बराबर है। तो यह संबंध हो गया कि क्यू फंक्शन का कैसे प्राचल के मान ऋण और धनात्मक होने के, और हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्राचय जो यादृच्छिक चर के वाई मान लेने से का संचयी प्रायिकता वितरण फलन क्या होगा, तो वह वाई यादृच्छिक चर एक्स के वाई या वाई से कम मान लेने की, तो आप जो छायांकित क्षेत्र नहीं है वही प्रायिकता होगी यह संचयी वितरण फलन की, जिसको कि हमने एफ एक्स लिखा है, जिसका कि मान एक्स का एक्स लेने से होता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी संचयी वितरण फलन को हम क्यू फंक्शन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं या कैसे गणना कर सकते हैं। तो अतः इसी की गणना करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह भाग यह पूरी ये थी यह एक मानक प्रासामान्य प्रचल है, उसका मान एक से ज़्यादा, तो यहाँ y का मान आप एक रख सकते हैं, तो यह मान आपको किसी भी श्रेणी या किसी भी टेबल या कोई भी संगणक से मिल जाएगा जिसका कि मान 0.1587 ये लगभग लिखा है बराबर है, इसके दशमलव बहुत आगे तक जाएंगे, ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए इसको हमने लिखा लगभग बराबर होगी इसके दशमलव के चार स्थानों तक। तो आपने देखा कि ये प्रायिकता हमने निकाल ली जबकि परीक्षार्थियों के अंक इस स्तर से ज़्यादा होंगे, वो स्तर क्या है, औसत और मानक विचरण के योग के से ज़्यादा। आइए अब कथन से हमको पता ही है कि बी श्रेणी प्राप्त होती है जब उसका मान छात्रों का प्राप्तांक है वो उसका मान उसके औसत और औसत धन मानक विचरण के बीच में होता है, तो उस प्रायिकता को हम इस प्रकार इंगित कर सकते हैं, और क्यू फंक्शन के माध्यम से उस प्रायिकता को निम्न प्रकार लिखा सकते हैं। और हमको पता ही है कि क्यू एक का मान क्या है, पूर्व पटल पे हमने निकाल रखा था उसी को, और Q
क्यू शून्य का मान आप देख सकते हैं जो ग्राफ में क्यू शून्य का मान वो बिल्कुल आधा होगा, तो इसकी प्रायिकता तो हम गणित कर सकते हैं बिना किसी पूर्णांक के रूप में, और ये घन दोनों घटा के यह घटाव जो है हमको 0.3413 देता है। इसी प्रकार अगर हम सी श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमारा यादृच्छिक चर यानी प्राप्तांक किन दो सीमाओं के बीच में होने चाहिए, उस समय के लिए प्रायिकता लिखी और उस प्रायिकता को हम इस प्रकार क्यू फंक्शन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और आप क्यू शून्य का मान आपसे देखा ही है कि यहाँ 0.5 होगा, लेकिन क्यू ऋण एक का मान आप देख सकते हैं, क्यू एक के मान को एक में से घटा के प्राप्त किया जा सकता है, वहीं पे किया है, उस लगभग वो मान इतना होगा। तो इन दोनों की प्रायिकता को सरलीकृत करने पर इसका मान भी 0.3413 ही आता है। इसी प्रकार अब आप देख सकते हैं डी श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता, इस प्रकार इसका मान यह आ जाता है, और एफ श्रेणी की प्रायिकता जिसका कि मान आप देख सकते हैं कि यह एक संचयी प्रायिकता के संबंध में, इसका मान इससे बराबर नहीं लिखा, इसके इससे कम होना चाहिए, तो आप इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही व्याख्या की है कि कैसे ही CDF या संचयी जो विचरण फलन का मान हम Q फलन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसका मान भी हमारा गणित होकर 0.0228 निकल के आता है। तो इन प्रायिकताओं के मान से हम यह कह सकते हैं कि कुल परीक्षार्थियों में से लगभग 16%, क्योंकि वो 0.15 था और ये 0.34 आप देख सकते हैं पूर्व पटल में, तो इसे लगभग 34% दोनों ए और बी और सी श्रेणी के लिए, और जहाँ तक डी श्रेणी का सवाल है लगभग 14%, और एफ श्रेणी या असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग 2% होता है। तो आशा है कि आपने इस प्रश्न में प्रासामान्य यादृच्छिक चर से संबंधित प्रायिकता निकालने के बारे में समझा होगा। आइए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार है कि मानिए कि एक वाहन कितने किलोमीटर चलता है इसके पहले कि उसकी बैटरी पूरी तरह खराब होकर बदलने योग्य हो जाए, वह संख्या एक घाती वितरित होती है, वह संख्या घाती वितरित होती है, आंग्ल भाषा में एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और उसका औसत मान, उस घाती वितरण का औसत मान होता है 10,000 किलोमीटर। एक किसी भी एक सामान्य वाहन के बारे में आप सोच सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर किसी नए वाहन को लेने के बाद उसकी बैटरी को हमें बदलना पड़ेगा। और अब आपसे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसके पास ऐसा वाहन है वह व्यक्ति 5,000 किलोमीटर की एक यात्रा पर जाना चाहता है, तो उसकी इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह वाहन की बैटरी को बिना बदले ही यात्रा पूरी कर लेगा। क्या हमें दिया है कि वाहनों की बैटरी का जीवन काल एक घाती वितरित होता है जिसका कि औसत मान हमें दिया हुआ है, और अब हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वाहन को लेके जाना चाहता है 5,000 किलोमीटर यात्रा में, और उसको इस बात की प्रायिकता वो गणित कर रहा है कि उसे बैटरी बदलना नहीं पड़ेगा यात्रा पूरी करने के दौरान। और इसी प्रश्न को पहले हम करेंगे और बाद में हम देखेंगे इसके एक और उप प्रश्न को जिसमें यह कहा गया कि इस बारे में क्या कहा जा सकता है जब वितरण घाती न हो। यहाँ हम वितरण बात कर रहे हैं किसी वाहन में होने वाले बैटरी के जीवन काल के बारे में, क्योंकि पहला दिया है कि जीवन काल जो है वो एक घाती वितरित होता है, अगर बैटरियों का जीवन काल घाती वितरित नहीं हो तो इस प्रश्न के बारे में क्या हम उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और या दे पाएंगे तो क्या क्या उसकी दशाएं होंगी जब हम दे पाएंगे। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की ओर देखें। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये प्रश्न में दिया हुआ है कि बैटरी का जो जीवन काल है वो घाती वितरित है, तो अब आप याद करिए पुनरावलोकन में हमने एक विशिष्ट गुण जो घाती वितरण के बारे में चर्चा की थी, घाती वितरण जो चर होते हैं वो स्मृति विहीन होते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ अगर जिस जीवन काल बैटरी का अगर घाती वितरित है तो वह बैटरी कितना इस्तेमाल हो चुकी है, चूँकि आपकी यही आशंका होगी अगर बैटरी वो नई है तब तो वो आराम से पूरी कर लेगा, चूँकि औसत बैटरी का जीवन काल 10,000 किलोमीटर है वो तो केवल 5,000 किलोमीटर की यात्रा में जाना चाहता है, लेकिन अगर बैटरी का इस्तेमाल हो ही चुका होगा बहुत समय तक तो शायद ये संभावना बिना बैटरी बदले की घटती चली जाएगी।
यहाँ पे हम चूंकि इस प्रश्न के अनुसार अगर बैटरी के जीवन काल एक घाती वितरित है, तो हम ये इस्तेमाल करते हुए उन गुण का घाती वितरण से संबंधित स्मृति विहीन गुण का इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते बैटरी का बचा हुआ जीवन काल यहाँ पर 1000 किलोमीटर में व्यक्त, क्योंकि हम देख सकते हैं कि घाती वितरण का औसत मान वो 1000 किलोमीटर में लिखा है और यात्रा भी हम 1000 किलोमीटर में कर रहे हैं, इसलिए आसानी के लिए हम मान लिया कि जीवन काल 1000 किलोमीटर व्यक्त का वितरण जिसको कि हम एफ से इंगित कर रहे हैं भी घाती रहेगा। और क्या प्राचल रहेगा? आप जानते हैं घाती वितरण का जो औसत होता है वह 1/ प्राचल जो कि लैम्डा होता है, इसलिए यहाँ पे लैम्डा का मान 1/10 हुआ। आप देख सकते हैं क्योंकि 10,000 किलोमीटर को अगर 1000 किलोमीटर व्यक्त करेंगे तो उसका मान आसानी के लिए हम लैम्डा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 1/10। तो ये वितरित रहेगा और इसलिए इच्छित प्रायिकता की गणना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो प्रायिकता हो जाएगी कि बचा हुआ जीवन काल 5 से ज़्यादा, चूँकि 1000 है, चूँकि यहाँ पे सब कुछ 1000 में इंगित है, तो 5000 को हमने परिवर्तित कर लिया हजारों में तो वो 5 हो गया, तो बचा हुआ जीवन काल 5 या जो कि मतलब है 5000 से ज़्यादा हो, क्योंकि 5000 से ज़्यादा अगर जीवन काल उसका बचा हुआ है तो हमें तो उस व्यक्ति को उस यात्रा करने के दौरान बैटरी को बदलना नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह प्रायिकता जो है वो दाई तरफ के प्रायिकता फलन के ग्राफ के दाई तरफ की प्रायिकता है, पूछ की प्रायिकता है कि जब उसका जीवन काल 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो 5 से 5 ज़्यादा हो तो उसको बैटरी नहीं बदलना पड़ेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 1-ऋण प्रायिकता जो संचयी प्रायिकता है 5 पे। तो उसको हम प्रायिकता हमने पहले ही आपके सामने प्रस्तुत किया है कि घाती वितरण में किसी का वितरण फलन क्या होता है, 1-ऋण ई के घात ऋण प्राचल लैम्डा, और जो भी समय यहाँ पे 5 लैम्डा हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 1-ऋण किया तो आप देख सकते हैं कि वह घटित होकर हमें ई के घात ऋण 5 लैम्डा प्राप्त हो गया, जहाँ पे लैम्डा का मान 1/10 हमने पहले ही व्यक्त कर लिया प्रश्न में दिए हुए कथन के अनुसार। तो वह प्रायिकता ई के घात 0.5 जिसका कि मान 0.607 होता है या लगभग 60%। तो 60% संभावना है कि उसे बैटरी वापस रास्ता के दौरान नहीं बदलना पड़ेगा। तो यह प्रश्न तो बहुत आसानी से गणित हो गया, क्योंकि यह हमने मान लिया कि किसी भी वाहन की बैटरी जो है वह घाती वितरित होती है। अगर यह घाती वितरण ना दिया हो, वितरित है लेकिन वह घाती नहीं है, तो क्या समस्या होगी? तो बैटरी का जीवन काल का जो वितरण अगर घाती नहीं है तो इच्छित प्रायिकता को ग्राहत करने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि घाती वितरण में स्मृति विहीनता का गुण होता है, तो बहुत आसान है, बैटरी कितना भी इस्तेमाल हुई है उसका जो जीवन काल हमेशा घाती वितरित रहेगा एक ही जो है प्राचल के हिसाब से। तो हमने तो सकते स्मृति विहीन मीन्स कितना भी इस्तेमाल करिए, नई बैटरी और पुरानी बैटरी बिल्कुल बराबर आपको उसकी प्रायिकता रहेगी उसकी बची हुई जीवन काल की। तो ये तो एक बड़ी ही अव्यवहारिक सी स्थिति है, आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर है तो ये गणना बहुत आसान से हो जाएगी। लेकिन अगर ये जानकारी नहीं है तो आपको अब समझ ही चुके होंगे क्या चीज़ की हमें आवश्यकता है, जानकारी की कितना बैटरी का इस्तेमाल हो चुका है, यही तो आवश्यकता होगी। यह आवश्यकता आवश्यक नहीं होती है अगर हम घाती वितरण मान लें कि वो स्मृति विहीन होता है, कितना भी इस्तेमाल हो चुका है उसका उसके वितरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अगर ये पता है कि जीवन काल घाती नहीं है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि मान लीजिए टी वह संख्या है अभी पर प्रश्न के अनुसार 1000 किलोमीटर में व्यक्त, जिसके लिए बैटरी का इस्तेमाल कही गई यात्रा की शुरुआत से पहले ही हो चुका है। जब ये हो चुका है तो अब उसकी प्रायिकता कम हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसको हम पूरी तरह से गणना नहीं कर रहे, केवल आपको इंगित कर दे रहे हैं कि वह प्रायिकता हमको निकालना पड़ेगा प्रासंगिकता के, वह प्रसंबंधित प्रायिकता कि जबकि बैटरी का जीवन काल टी से बड़ा हो, टी वह संख्या जिस किलोमीटर चल चुकी, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना चल चुकी बैटरी वो बैटरी पूरी खराबी है तो फिर कैसे यात्रा पर आप जाएंगे, तो वह उससे बड़ा हो और फिर वह बैटरी का जीवन काल टी जो कि जिसके लिए वो इस्तेमाल हो चुकी है धन 5 और, चूँकि यह यहाँ पे सब कुछ 1000 में है तो टी भी 1000 में है, 1000 में व्यक्त है और 5 तो 1000 हमारे प्रश्न में व्यक्त ही किया है कि हमें चाहते हैं कि 5000 किलोमीटर। तो यह प्रसंबंधित
प्रायिकता की गणना हम निम्न प्रकार से कर लेंगे। हमने गणना नहीं करके निकाला है यहाँ पे, चूँकि ये हमारा उद्देश्य नहीं था। तो आपको बताया कि जो घाती वितरण होते हैं वो जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे प्रायिकता की गणना बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर प्रायिकता समय के साथ बदलती नहीं है, वो स्मृति विहीनता का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रायिकता की गणना बहुत आसान हो जाती है। अन्यथा हमें बहुत से अन्य जानकारियाँ भी चाहिए होंगी, जैसे कि इस दशा में वो है कि वह वाहन कितने किलोमीटर चल चुका है, जिससे कि उसकी बैटरी का बचा हुआ जीवन काल घट चुका होगा, इसलिए वह संभावना भी कम होगी। तो आशा है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपने सतत यादृच्छिक चर के बारे में की परिभाषा और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों में उनके इस्तेमाल की व्याख्या को समझा होगा।